कितने सारे क्रीम्स 14 हफ्ते एक महीने की गारंटी देते हैं स्किन लाइटनिंग करने के लिए, लेकिन फिर भी ये हमेशा असरकारक नहीं होता। क्रीम के ट्यूब पे ट्यूब हम खाली कर देते हैं लेकिन ज्यादा कुछ फर्क नहीं दिखता, और थक हार कर हम कॉम्पैक्ट पाउडर्स और फाउंडेशन से गोरापन पाने के ट्राई करते हैं। आखिर आसान जो है ये तरीका, लेकिन चेहरे की स्किन के लिए इतना आसान नहीं है। उनको झेलना पड़ता है इनके केमिकल्स का असर, जो थोड़ा बहुत असर दिखा देती है लेकिन स्किन को ड्राई भी बना देती है। आखिर ये सब नेचुरल जो नहीं है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए 100% स्किन व्हाइटनिंग करने का एक कुदरती नुस्खा लाए हैं। अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक बनाना यानी कि एक पका हुआ केला चाहिए। उसके छिलके को आपको निकालना होगा और इसे स्मैश करके इसका पेस्ट बनाना है। आप ब्लेंडर या मिक्सर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं पेस्ट बनाने के लिए। बनाना में बहुत सारे विटामिन ए और बी पाया जाता है, जिससे आपके स्किन से डार्क स्पॉट्स, ब्लेमिशेस, सनटैन को लाइटन करता है, और पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बना देता है। इस बनाना पेस्ट के 2 टीस्पून लीजिए। इसमें 1 टीस्पून योगर्ट यानी कि दही मिलाए। इसमें लैक्टिक एसिड होता है जो स्किन लाइटनिंग में मदद करता है। इसके बाद 1 टीस्पून मिल्क पाउडर यानी कि दूध का पाउडर मिलाए। 1 टीस्पून हनी यानी कि शुद्ध सेहद मिलाए। इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है जिससे स्किन ग्लो करती है। फिर आप 1 टीस्पून लेमन जूस यानी कि नींबू का रस मिलाए। लेमन जूस में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है जो डार्क स्पॉट्स को कम करने में मदद करती है। पर याद रखें, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो इसे मिक्सर में ना डालें। अगर एक बूंद लेमन जूस को आपकी स्किन पर थोड़ी देर भी रखने से आपको बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है, आपका स्किन लाल हो जाता है, तो समझो कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और आपको इस मिश्रण में लेमन जूस का इस्तेमाल नहीं करना है। तो आप इस मिश्रण को अच्छे से मिला लें। अब इसे अपने चेहरे पर या शरीर के जिस भाग को गोरा बनाना है उस भाग पर लगा लें और इसे सूखने दीजिए और फिर पानी से धो दीजिए। आपको लगाने के तुरंत बाद असर दिखेगा। आप इसे वीक में 2 से 3 बार अप्लाई कर सकते हैं और आपको फर्क जरूर दिखेगा। आप इस फेस मास्क को अपने स्किन पे अप्लाई करके देखें और अगर इससे आपको फायदा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।